शहर को स्मार्ट करने की दिशा में प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। पूरे शहर में बढ़ते वाहनों की संख्या को देखते हुए मल्टी लेवल कार पार्किंग व्यवस्था काफी जरूरी हो गई है, जिसके लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थित पार्किंग के आरक्षण का अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश मनपा आयुक्त मुंडे ने अधिकारियों को दिए। बुधवार को स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा बैठक ली गई। उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश मारोने सहित स्मार्ट सिटी के सभी अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि शहरवासियों को उत्तम दर्जे की सेवा सुविधाएं देने की दिशा में यह एक कदम बढ़ाना चाहिए। समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि शहर में पर्यावरण पूरक परिवहन व्यवस्था तैयार करने के लिए पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम शुरू करना चाहिए, जिसकी पूरी प्रणाली मोबाइल ऐप पर होनी चाहिए, जिससे नागरिकों को सुविधा का लाभ मिल सके। इस संदर्भ में तुरंत प्रभाव से प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए गए हैं। बाजारों के संदर्भ में भी उन्होंने कहा कि शहर के बाजारों का क्षेत्रों का विकास करना भी जरूरी है। शहर के 5 बाजार क्षेत्रों का विकास करने के लिए शीघ्र रिपोर्ट तैयार की जाएगी। स्मार्ट सिटी प्रकल्प के अंतर्गत बस स्टॉप पर स्मार्ट कियोस्क लगाए जाएंगे, जहां 50 तरह की नागरिक सुविधाएं तुरंत शुरू की जानी चाहिए। इसे गंभीरता से लेकर कार्यवाही करने के निर्देश भी आयुक्त द्वारा दिए गए हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इन BCN न्यूज़ नागपुर।